नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। 17 सीटों पर कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, वहीं पर 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। 17 सीटों में कांग्रेस ने 13 सीटों पर अपने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 4 सीटें बाकी हैं। इन 4 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं, मात्र औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सबसे पहली सीट का मैं नाम बताता हूं। पहली सीट है अमेठी लोकसभा सीट, जहां पर लगातार राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 में चुनाव हार जाते हैं। स्मृति ईरानी ने चुनाव यहां पर हरा दिया था राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी को लेकर चर्चा थी कि अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर उतना बड़ा जिगरा नहीं है जिस जिगरे की बात करते हैं राहुल गांधी। खुद ना लड़के इस सीट को देने जा रहे हैं आराधना मिश्रा मोना जी को। आराधना मिश्रा मोना जी कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं प्रमोद तिवारी। प्रमोद तिवारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। सबसे ज़्यादा बार विधायक रहे हैं, 8 से 9 बार विधायक रहे हैं। उनकी बेटी लगातार 2-3 बार विधायक बन चुकी हैं। 17 में भी जीती थी, 17 के पहले भी जीती थी, और 2022 में भी विधानसभा का चुनाव आराधना मिश्रा ने जीता था। तो आप समझ सकते हैं आराधना मिश्रा ब्राह्मण चेहरा है। अमेठी की सीट पर ब्राह्मण, यादव, मुसलमान के अलावा कांग्रेस को लोग पसंद करने वाले दिली तौर पर हैं। लेकिन ये वक्त बताएगा आराधना मिश्रा चुनाव लड़ेंगी तो हारेंगी या जीतेंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी भी वहाँ पर कमज़ोर नहीं है। अगर राहुल गांधी लड़ते या राहुल गांधी के स्थान पर वरुण गांधी को लाया जाता या प्रियंका गांधी को लाया जाता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस सीट को आसानी से कांग्रेस निकाल सकती थी, लेकिन हमारे बस में नहीं है। अगला नंबर आता है रायबरेली लोकसभा सीट का। रायबरेली लोकसभा सीट पर बातचीत चल रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य से भी, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से 36 का आंकड़ा हो गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ा। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस्तीफा दिया, महासचिव पद से इस्तीफा दिया, MLC पद से इस्तीफा दिया। ये चीज अखिलेश यादव को नागवार गुजरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बिना कांग्रेस सीटों को जारी नहीं कर रही है। तो रायबरेली की सीट पर कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी देने की कोशिश है कि कम से कम गांधी परिवार उत्तर प्रदेश की एकाध सीट से तो लड़े। राहुल गांधी वायनाड भाग गए हैं लड़ने के लिए चुनाव, लेकिन अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो एक कम से कम संदेश जाएगा। मैं दावा कर सकता हूं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो 100% चुनाव जीतेंगी। अपने आप से दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां का जो राजनीतिक समीकरण है दोनों सीटों पर अमेठी और रायबरेली में, भाजपा के सामने अगर सपा को खड़ा कर दिया जाए तो हो सकता है कि हमारी बात गलत भी साबित हो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस से बेहतर। अब सपा नहीं लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, तो सपा का वोटर कांग्रेस में अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कांग्रेस जीतेगी, नहीं ट्रांसफ़र होगा तो हार जाएगी, साफ साफ बात है। लेकिन रायबरेली सीट अभी भी कांग्रेस के लिहाज से समाजवादी पार्टी के समर्थन से बहुत ही सुरक्षित सीट है। अगली सीट की हम बात करते हैं। अगली सीट है प्रयागराज। आज की खबर है कि उज्ज्वल रमण सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उज्ज्वल रमण सिंह के पिताजी रेवती रमण सिंह 8 बार विधायक रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मतलब कि सब कुछ रहे हैं। आप समझ सकते हैं 8 बार का सांसद होना और एक कद्दावर नेता है। रेवती रमण के बेटे उज्ज्वल रमण कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर प्रयागराज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के समर्थन से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बात की मैं पुष्टि कर रहा हूँ। औपचारिक ऐलान हो जाएगा। और वहीं पर एक सीट अभी बच रही है। एक सीट है आगरा की लोकसभा सीट, सॉरी मथुरा की लोकसभा सीट। हमारे दिमाग से आगरा मथुरा इकट्ठे निकल जाता है कभी कभी। मथुरा की जो लोकसभा सीट है
हेमा मालिनी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। हेमा मालिनी की उम्र हो चुकी है, फिर भी समाजवादी पार्टी का वहां पर होल्ड जो है बहुत कम है, इसीलिए उस सीट पर कांग्रेस को दे दिया गया है वो सीट, क्योंकि जो शहरी सीटें हैं अधिकतर वहां पर भाजपा का ज़्यादा बड़ा जनाधार है या कांग्रेस का जनाधार है। तो आगरा सीट को लेकर के बड़ी खबर है कि बीजेंद्र सिंह मुक्केबाज जो हैं उनको कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है, जाट बिरादरी से आते हैं। कांग्रेस ने मांगने के तो 17 सीटें मांग ली, लेकिन कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की कमी साफ साफ दिख रही है। अजय राय को पहले ही घोषित कर दिया गया है वाराणसी से, अमरोहा से दानिश अली लड़ रहे हैं, कानपुर सीट पर भी संशय है, आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया है, लेकिन इस सीट को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी संशय है कि समाजवादी पार्टी की निगाह इस सीट पर है, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव यहाँ पर कम अच्छे से लड़ सकता है। झांसी से प्रदीप जैन आदित्य को टिकट दिया गया है, बांसगांव से सदल प्रसाद मिश्रा को दिया गया है, सहारनपुर से इमरान मसूद, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सीकरवार, बाराबंकी से तनुज पुनिया को टिकट दिया गया है। उसके अलावा गाजियाबाद से डॉली शर्मा को टिकट दिया गया है, सीतापुर से नकुल दुबे, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है, बुलंदशहर में शिवराम वाल्मीकि को टिकट दिया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। हमारी जो व्यक्तिगत राय है, हमारी जो आंकड़ों की समझ है, कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव जीत सकती है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, अमेठी में अगर ये ठीक से लड़ते तो चुनाव जीत जाते, आराधना मिश्रा लड़ेंगी, हारेंगी कि जीतेंगी मैं नहीं बता सकता, अभी माहौल आएगा तो बताऊँगा। रायबरेली चुनाव जीत सकते थे आराम से, और अभी भी जीत जाएंगी, प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो 2 सीट हो गई। बाराबंकी तनुज पुनिया चुनाव जीत रहे हैं अभी भी कंडीशन में, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 सीट हो जा रही है। उसके अलावा सहारनपुर में इमरान मसूद चुनाव जीत सकते हैं, अमरोहा में दानिश अली लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस के पास अच्छे प्रत्याशी नहीं हैं, क्योंकि पीडीए बैकवर्ड समाज से अगर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सामने की तरह दिया जाता तो और अच्छे से इनके प्रत्याशी चुनाव जीत सकते थे। देवरिया में अखिलेश प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, सीतापुर में नकुल दुबे लड़ रहे हैं, जो फीडबैक हमारे पास आ रहा है, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सीकरवार लड़ रहे हैं, आलोक मिश्रा कानपुर से लड़ रहे हैं, इन लोगों के हालात कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहे हैं। 5 सीटें ऐसी थी 17 सीटों में जहां पर कांग्रेस कम से कम 1 से 5 तो पहुंच ही सकती थी। वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। भाजपा भी बहुत तगड़ी पार्टी है, उसको कमज़ोर आंकना गलत होगा। आपकी क्या राय है, अपनी राय दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।